सॉल्व फ्यू सेंटेंसेस विद फ्री करेक्ट फॉर्म ऑफ वन। ये वीडियो थर्ड से लेके ट्वेल्थ तक कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे और टेंस तो हर क्लास के बच्चे को अच्छे ढंग से आना चाहिए। सो हम साथ साथ में समझेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है और क्यों। आई डैश माई असाइनमेंट यस्टरडे, मैंने अपना असाइनमेंट कल खत्म किया। ये जो यस्टरडे शब्द, अगर आपका यस्टरडे शब्द किसी सेंटेंस में यूज होगा तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे है तो। सो फिनिश का सेकेंड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? फिनिश्ड। मैंने कल अपना असाइनमेंट खत्म किया। सो अगर यस्टरडे सेंटेंस में होगा तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन डैश वेरी फास्ट और इंक्रीज कर रहा है। ये कहते हैं आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये तो सच्चाई है। ये तो एक ऐसा काम है जो अभी हो रहा है, हर सेकंड में दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में किसी ना किसी बच्चे का जन्म हो रहा है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो निरंतर चल रही है। सो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से। My brother dash video games every evening play every, ये जो word है every, अगर किसी sentence में every word होगा तो आप वहां पे present indefinite use करेंगे। अगर किसी sentence में every होगा तो हम वहां पे present indefinite tense use करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कोई tense क्यों use करना है। Now my brother, brother is सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम प्ले को कैसे लिखेंगे? प्लेज। हमने प्लेज क्यों किया? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस और एस ऐड करेंगे वर्ब में। मेरा भाई रोज शाम को इवनिंग में वीडियो गेम खेलता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो रोज हो रही है। सो रेगुलर एक्टिविटी के लिए, रेगुलर एक्टिविटी के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ऐसा काम जो रोज होता है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश द बिल फॉर दिस मंथ, इस महीने का बिल, इस महीने का बिल। तो मैंने क्या किया? मैंने इस महीने का बिल भर दिया है। कोई ऐसा काम जिसका टाइम नहीं दिया, टाइम नॉट गिवन, अगर टाइम नहीं दिया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी एक्टिविटी का टाइम नहीं दे रखा है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट भरना है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने इस महीने बिल पे किया लेकिन हमें समय नहीं दे रखा एग्जैक्टली, सो हम कहेंगे आई हैव पेड, पीआईडी, आई हैव पेड, आई हैव पेड बिल फॉर दिस मंथ, मैंने इस महीने का बिल पे कर चुका है, या मैं इस महीने का बिल पे कर चुका हूँ। राहुल नॉट ईट लास्ट नाइट, ये देखिए अगर आपके सेंटेंस में लास्ट है, अगर आपके सेंटेंस में लास्ट है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ये देखिए अगर सेंटेंस में लास्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और हमें नेगेटिव भरना है। सो राहुल डिड नॉट ईट, राहुल ने कल रात को खाना नहीं खाया। सो लास्ट वर्ड से पता चला है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए और सेकंड फॉर्म देखिए डू डिड डन, सो हमने डिड लिया, डू डिड डन, हमने डिड लिया, इसीलिए हमने डिड लिया। सो राहुल डिड नॉट ईट, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द स्टूडेंट्स पे अटेंशन इन द क्लास, बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है कि हमें किसी और टेंस के बारे में पता चले, हम बता रहे हैं कि बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन इन द क्लास, बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं। द टीचर नॉट स्टार्ट लेक्चर टिल एवरीवन वाज सीटेड, इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, एक क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ एवरीवन वाज सीटेड, दूसरा क्लॉज हमारा ये है, इतना सारा हमारा दो क्लॉज है। अब जिस सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे, दो क्लॉज मतलब
इनडेफिनिट है तो दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे कह रहे कि बच्चों के बैठने से पहले टीचर ने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, द टीचर हैड नॉट स्टार्टेड, द टीचर हैड नॉट स्टार्टेड लेक्चर टिल एवरीवन वाज सिट, जब तक कि कोई बैठ नहीं गया टीचर ने अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं किया। अगर एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट। ही रिटर्न द बुक आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद वो बुक लौटाएगा। फ्यूचर का काम है तो फ्यूचर का कोई काम होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। सो ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न द बुक आफ्टर वन मंथ, एक महीने बाद। इस फ्रेज ने हमें बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज हो रहा है, एक महीने बाद वो किताब लौट आएगा। और ही शी यू दे के साथ हम विल लगाते हैं, है ना, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। माय मदर डैश डिलीशियस फूड लास्ट वीक, ये देखिए लास्ट वर्ड हमने कहा है, अगर लास्ट वर्ड होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर लास्ट वर्ड होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमें वर्ब यहाँ पे प्रिपेयर मिला है, हम क्या करेंगे, प्रीपेयर्ड। मेरी मम्मी ने पिछले हफ्ते डिलीशियस खाना बनाया, मेरी मम्मी ने पिछले हफ्ते स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, और इस लास्ट वर्ड में हमें बताया कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द ट्रेन रीच एट 9 PM एवरी डे, एवरी डे ऐसा कोई काम जो रोज हो रहा है, रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर वर्क, अगर रेगुलर वर्क होगा तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, ये भी एक सिस्टम है, रेगुलर वर्क के लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट। और अगर आपके वर्ड में एवरी है, अगर आपके सेंटेंस में एवरी है तो भी हम यही करेंगे, अगर आपके सेंटेंस में एवरी वर्ड आ जाएगा तो भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो आप दो तरीके से देख सकते हैं, ऐसा काम जो रोज हो रहा है प्रेजेंट डेफिनिट, या सेंटेंस में एवरी वर्ड है तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करते हैं, द ट्रेन, अब हमें रीच वर्ड लेना, लेकिन ट्रेन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारे एक ट्रेन की बात हो रही है तो हम करेंगे रीचेस, ट्रेन रीचेस। अगर यहाँ पे ट्रेन होता तो हम यहाँ पे रीच करते, पर हमारा सब्जेक्ट एक है इसीलिए हमने वर्ब में एस और एस हम यूज करते हैं। द ट्रेन रीचेस एट 9 PM एवरी डे, ट्रेन रोज 9 बजे रात को आती है, तो ये कोई ट्रेन है जो रोज आती है, वो रेगुलर एक्टिविटी है। और एवरी वर्ड बता रहा, एवरी वर्ड भी बता रहा है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, ही लेफ्ट द टाइम आई रीच्ड देयर, देखिए 2 क्लॉज हो गए, आई रीच्ड देयर जब मैं वहां पहुंचा, 1 क्लॉज, ये हमारा दूसरा क्लॉज है, जब मैं वहां पहुंचा वो जा चुका था, जब मैं वहां पहुंचा वो जा चुका था। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अगर हमारा एक क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर आपके एक क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट परफेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो अगर आपका एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट की दो एक्टिविटी, जो पहले खत्म होगी उसमें पास्ट परफेक्ट, जो बाद में खत्म होगी उसमें पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये कहते हैं ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले वो जा चुका था, जा चुका था, इसीलिए आया है हैड लेफ्ट। आई बी टू न्यूयॉर्क मैनी टाइम्स, देखिए मैनी टाइम्स, लेकिन अभी समय गिवन नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं बहुत बार न्यूयॉर्क जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे समय नहीं दे रखा है, कोई ईयर नहीं बता रखा, कोई मंथ नहीं बता रखा, कोई डेट नहीं बता रखा, जस्ट ये कह रहा है कि मैंने बहुत बार न्यूयॉर्क जा चुका हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क मैनी टाइम्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, सो प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आप मैनी वीक्स को समय नहीं समझो, ये तो हमें बता रहा है कि बहुत हफ्ते में न्यूयॉर्क जाता हूँ, लेकिन उसने कोई समय नहीं बताया कि वो किस हफ्ते जाता है,
तो जब किसी एक्टिविटी का समय नहीं दिया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट, फादर टेक अस टू म्यूजियम नेक्स्ट संडे। देखिए नेक्स्ट, अगर आपके सेंटेंस में नेक्स्ट होगा या कमिंग होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। ये देखिए, अगर नेक्स्ट होगा या कमिंग वर्ब होगा तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पापा हमें अगले संडे को म्यूजियम लेके जाएंगे। सो फादर विल टेक, फादर विल टेक अस टू म्यूजियम नेक्स्ट संडे। हमें नेक्स्ट से पता चला, अगर आपके सेंटेंस में नेक्स्ट है और कमिंग है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकेंड लास्ट, ग्रैंड मदर डैश अस नेक्स्ट मंथ। ये देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड आया, सो नेक्स्ट आया तो मतलब फ्यूचर का टेंस है। पर मैंने यहाँ पे आपको तीन वर्ड्स इसीलिए दिए कि आपकी एक्सरसाइजेस में तीन वर्ड्स गिवन है, हम ये बताएंगे कि इन तीन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आएगा, मैं आपको रीजन बता दी। अब नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हमें ये पता, नेक्स्ट वर्ड हमें ये बताएगा कि फ्यूचर टेंस। अब हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट आएगा या कंटिन्यूस आएगा या परफेक्ट आएगा, पर यहाँ पर हमें तीन वर्ड्स गिवन है तो मैं आपको समझाती हूँ इन तीन वर्ड्स में से कौन सा आंसर है और क्यों। देखिए, ग्रैंडमदर डैश अस नेक्स्ट मंथ। अब इन तीनों वर्ड्स में से विजिटेड, ये तो पास्ट टेंस है, ये नहीं हो सकता। विजिटेड ईडी लग गया, पास्ट टेंस ये नहीं हो सकता। विजिट मतलब प्रेजेंट टेंस है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड गिवन है। तो आपके पास आंसर हुआ विल बी विजिटिंग, विल बी विजिटिंग। दादी हमें अगले महीने मिल रही होगी, दादी हमें अगले महीने मिल रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस टाइम ये हमने इसलिए लिखा कि आपको कोई तीन वर्ड्स ऑलरेडी गिवन थे। अब मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए आंसर नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट है नहीं हो सकता क्योंकि हमारे सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट का मतलब आपको कोई ना कोई फ्यूचर टेंस की ही फॉर्म होगी। चलिए लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, राज क्रिएट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पे कोई काम हुआ लेकिन उसका समय नहीं दिया, सो टाइम नॉट गिवन, टाइम नॉट गिवन। अगर टाइम नहीं दिया तो हम क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल्स आ गए कि जब हमें किसी काम पे टाइम नहीं दिया होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट। सो राम हैज क्रिएटेड, राम हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। राम ने ये सुंदर पेंटिंग बनाई है, राम ये सुंदर पेंटिंग बना चुका है। और हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो ये काम हुआ है पेंटिंग बनाने का, उसका समय नहीं दिया। जब आपको समय नहीं दिया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 15 सेंटेंसेस किए हैं और इसमें डिफरेंट वर्ब्स को हमने भरा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इस तरीके से अपनी ग्रामर को रोज करेंगे सो दैट हमें ग्रामर समझ में भी आएगा और हमारा बेस भी स्ट्रांग होगा। थैंक यू।